open, I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. तो हे गाइस, राम राम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:17। मैं रात को देर से सोया था, अबाउट 2 or 2:30 में सोया था। उसके बाद जब मैं सुबह उठा तो मैं स्कूल जाने का मन किया नहीं उतना, तो मैंने ले लिया छुट्टी। तो उसके बाद नींद पूरी करने के बाद मैं अभी उठाऊँ एंड अब जाऊँगा, ब्रश करूँगा, नहाऊँगा धोऊँगा, फिर आके पढ़ूँगा। सब मिलते हैं आधे घंटे एक घंटे बाद। सो गाइस, बैक टू द टेबल। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले करेंगे मैथ्स। मैथ्स में जो अभी फिलहाल मेरा जो चैप्टर चल रहा है वो है प्रोबेबिलिटी। बाकी जो अभी चल रहा था चैप्टर वो हो गया ख़त्म। मोस्ट ऑफ द फर्स्ट बुक तो वैसे भी कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड बुक भी हो ही रही है धीमे धीमे। जहाँ तक चांसेस हैं कि अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगी दोनों बुक, देन उसके बाद मैथ्स में रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। केमिस्ट्री में कंप्लीट हो ही चुका है, उसका रिवीजन मैंने स्टार्ट कर दिया है। जैसे उसका रिवीजन कंप्लीट होगा उसके बाद मैं उसके सैम्पल पेपर्स क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दूँगा। सो गाइस, मैथ्स में जो मुझे एक्सरसाइज करनी थी वो एक्सरसाइज हो गई है, 27 तक क्वेश्चंस हो गए हैं एंड अभी बज रहे हैं 1:20 एंड मैं जा रहा हूँ 10 मिनट का ब्रेक लेने। इसके बाद मैं लगाऊंगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। सो गाइस, बैक टू द टेबल अगेन। अभी मैं लगाने जा रहा हूँ चैप्टर सेकंड, मतलब रिवीजन है मेरा। तो रिवीजन में चैप्टर सेकंड के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लगाने जा रहा हूँ। सो लेट्स गो। सो गाइस, फिजिक्स में जो मेरा डेली का 10 न्यूमेरिकल्स का रहता है, रिवीजन में 10 न्यूमेरिकल्स, जब भी मैं रिवीजन करता हूँ तो 10 न्यूमेरिकल लगा ही लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया एंड अभी बच रहा है 3 एंड मैं जा रहा हूँ अब केमिस्ट्री रिवाइज करने, क्योंकि स्कूल में केमिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है तो उसे मैं याद करके जाऊँगा। तो बस को सुबह so जो मैं रिवीजन करने जा रहा हूँ वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो रीन्स का। सो यार, मिलते हैं इसका रिवीजन करने के बाद, तब तक मेरा कोचिंग का टाइम भी हो जाएगा। तो मिलते हैं।
सो गाइस फाइनली इट्स टाइम फॉर कोचिंग। बैग मैंने पैक कर लिया। आज है मेरी केमिस्ट्री की क्लास एंड मैथ्स की जो डेली होती है। सो अभी कोचिंग निकलने के पहले बारिश हो गई, सिर्फ 5 मिनट की बारिश, पानी पानी कर दिया एंड धूप भी निकलने लगी। क्या कर सकते हैं, लेट्स गो। सो गाइस कोचिंग से मैं आ चुका हूँ एंड जो मेरा आज का जितना भी टास्क था वो हो गया कंप्लीट। सो अब मैं इसके बाद जाऊँगा, वीडियो एडिट करूँगा, खाना पीना खाऊँगा एंड सो जाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डू सब्सक्राइब। राम राम। एंड हाँ गाइस, कुछ लोग पूछ रहे थे मेरा टाइम टेबल के बारे में। तो टाइम टेबल मैंने ऐसे कुछ खास मतलब टाइम वाला बना के नहीं रखा है कि इतने टाइम से इतने टाइम में ये करना है वो करना है। मेरा ये डिसाइडेड रहता है कि मुझे इस सब्जेक्ट में ये चीज़ आज करनी है तो मैं वो करता हूँ, बाकी टाइमिंग वाला मेरा नहीं है कोई सीन। तो यही है टाइम टेबल, इतना कोई ख़ास भी नहीं है कि टाइमिंग डिसाइड करने वाला, क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आता बिल्कुल भी, क्योंकि टाइमिंग कभी ना कभी आगे पीछे हो ही जाती है। सो या